ये पन्नी पैरोथीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति बंद है, एनजीटी के आदेश के प्रति बंद है, ये ब्रिटिश के आदेश से रही है। नमस्कार दोस्तों, जय मां गंगे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनोज निषाद एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे जो महाकुंभ नगरी कुंभ नगरी विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हर की पेड़ी हरिद्वार पर किस तरह से माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है। ये जो पन्नियाँ उठाते आपको नज़र आ रहे हैं, यह है झंडे वाले बाबा जी सुभाष जी, जो घंटाघर के आसपास आपको नज़र आएंगे। क्या कुछ कहते हैं, चलिए सुनते हैं। इसको किसके जिम्मे कौन किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? गंगा भक्तों, कदम कदम पे डस्टबिन है, बिछाने में तो इज्जत होती है, अरे उठाने में क्या बेइज्जती होती है? जब आप ही पन्नी पैरोथीन पुराने कपड़े इतनी गंदगी फैला के जाओगे, अरे इतना भी तो मुझे बता दो, जाते समय वो स्वच्छ जल कहाँ से लाओगे? इसको घर को लेके जाओगे सामने आप। मेरा ये संदेश, मेरा तो जागरूक करना है, सभी भक्तों को जगाना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को जगाना चाहता हूँ, सब करो लेकिन माँ पे गंदगी मत करो। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माई, जय माँ गंगे बाबूजी, जय श्री गंगा माई। बाबूजी ने एक बैनर भी लगाया हुआ है गंगा की स्वच्छता के लिए, आप देख सकते हैं। बाबा जी, माँ गंगा के संरक्षण के लिए आप भी काफी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, आपको सलाम है सबसे पहले तो। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के बाद में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी है और पन्नियाँ जो है लोग यूज कर रहे हैं और यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुभाष चंद्र हरिद्वार हर की पैड़ी से सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, बहुत जोर निवेदन कर विनती करता हूँ। अरे गंगा जी पे आए तो दो कार्य तो जरूर करना अवश्य करना है, एक तो गंगा जी पे गंदगी नहीं करनी है, एक राष्ट्रहित में मतदान भी अवश्य करना है, राष्ट्रहित में मतदान भी अवश्य करना है। ये जल नहीं ये अमृत है, ये जल नहीं ये अमृत है, जो सनातन धर्म हिंदू समाज में माँ के दो बूंद के बगैर कोई भी विधि विधान का कार्य नहीं होता। कोई होता हो तो किसी बड़े से बड़े महापुरुष ज्ञानी से पूछ के बता दो। इससे भी बड़ी बात एक और है, कोई भी बुजुर्ग हमारे अंतिम सांस लेते हैं तो दो बूंद मुख में गंगा जल दे दो, मोक्ष मिल जाएगा। और इससे भी बड़ी बात और है, कहीं भी एक मुट्ठी रेत डालना शुरू कर दो तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा। लाखों वर्ष से गंगा जी की गोद में हमारे पूर्वजों की और बुजुर्गों की अस्थियां पड़ रही हैं, या तो पहाड़ खड़े हो जाने चाहिए थे भैया, कोई उन्हें ढूंढ के दिखा दे। ये जल की महिमा है मेरी माँ की, जो आपको भी मनीक्षा वरदान देती है, आपको भी मनीक्षा वरदान देती है और आपके पूर्वजों को भी मोक्ष देती है। आप क्या देते हो? ये पन्नी पैरोथीन पुराने कपड़े गंदगी। भैया मैं आपसे गंगा भक्तों में गंगा की स्वच्छता में ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र एक कदम का फासला है, एक कदम तो निर्णय लेना है भक्तों ने, एक संकल्प लेना है कि गंगा जी पे आएंगे, एक तो गंदगी नहीं फैलाएंगे, ना छोड़ेंगे, ना किसी को छोड़ने देंगे, अगर कोई छोड़ भी रहा है तो उसको रोकेंगे भी, उसको टोकेंगे भी। जब आप ये निर्णय ले लोगे तो माँ अपना आप स्वच्छ हो जाएगी। मेरा ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है और गंगा को स्वच्छ बनाना है। दो शब्द और पूछना चाहता हूँ, ये पन्नी पैरोथीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति बंद है, एनजीटी के आदेश के प्रति बंद है, ये ब्रिटिश के आदेश से रही है? मैं दोनों सरकारों से निगम से भी पूछना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये पन्नी पैरोथीन, पन्नी और पैरोथीन, कहीं ऐसा ना हो कि धरती माँ तो बंजर हो जाए और गंगा जी पन्नी बन के रह जाए।
ढूंढते रह जाओगे। मेरा ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है और गंगा जी को स्वच्छ बनाना है। एक संकल्प लेके जाना कि आएंगे तो गंदगी नहीं फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गंगा माई जी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।